प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। मैं सतीश, टीम सुपर 33। आज का लेक्चर अति महत्वपूर्ण है बच्चों आपके लिए। इस टॉपिक में ऐसा सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसको बच्चे देखते ही घबरा जाते हैं या कहीं ना कहीं इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं। मेंस्ट्रुएशन, जो कि क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है। कुछ टॉपिक क्यूबॉइड हम पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। अभी पहले जो मेरे लेक्चर होंगे वो केवल आपका बेसिक सही करेंगे, प्लस कुछ प्रॉब्लम होंगी। उसके बाद जो सेकेंड लेक्चर हम देंगे आपको, इसके मिक्स प्रॉब्लम होंगी जो लगातार पिछले बोर्ड में पूछी गई है। तो दोस्तों, अगर आप CBSE बोर्ड 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तो 100% इस टॉपिक से आपको एक बड़ा सवाल और एक छोटा और मल्टीपल चॉइस के सवाल मिलने वाले हैं। आधे घंटे के लिए आप मेरे साथ आइए और इस टॉपिक में हमेशा के लिए आपको जो कन्फ्यूजन है ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको टॉपिक हम क्लियर करेंगे कि जो अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि फार्मूले लर्न नहीं होते हैं। फार्मूले दोस्तों लर्न नहीं सीखे जाते हैं, कैसे बनते हैं हम आपको बताएंगे कि एक याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो एक साइड में है दोस्तों मेरे साथ बेलन, जिसको हम सिलेंडर जब बोलते हैं, और एक साइड में है कोन, जिसको हम शंकु कहते हैं। यहाँ से अधिकतर सवाल यही आता है, वैल्यूम, सरफेस एरिया, और क्या वेट है, और क्या कैपेसिटी है। अधिकतर सवाल आपके यही मिलते हैं, या कितने शंकु से कितने बेलन बनेंगे, कितने सिलेंडर से कितने कोन बनेंगे, कितने क्यूब बनेंगे, कितने क्यूबॉइड बनेंगे। अक्सर ऐसे सवाल एग्जाम में आपको मिलेंगे। बेसिक के लिए इतना बताना चाहूँगा, इस सिलेंडर का, या आपके घर में कोई पाइप होगी, सॉलिड है, सिलेंडर है, बेलन है, इसका जो निचला सिरा दोस्तों होता है यह एक सर्कल शेप में होता है। आप देख सकते हैं, जैसे ये इसका सिरा देखिए, आप सर्कल शेप में है। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले पिछले वीडियो में मेरे जाइएगा तो मैंने वहाँ सर्कल का टॉपिक आपको क्लियर किया है। अब सर्कल की हमें ज़रूरत पड़ रही है। सर्किल, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों आपके सर्किल हो जाते हैं। और सर्किल का अगर हम कहें दोस्तों एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये इसकी बनती है दोस्तों हाइट, ये हो गया हमारा एच। अब सबसे पहला फार्मूला हम बात करेंगे वैल्यूम, तो वैल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसी के साथ इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं तुरंत। इसके वैल्यूम की बात करेंगे, इसका वैल्यूम दोस्तों हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। ये लर्न करेंगे, ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। इसका वैल्यूम, इसके वैल्यूम में थोड़ा सा अंतर है, बस इसका 1/3 कर दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा। अब बात करते हैं इसके हम सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया क्या होता है, आप उसको यूज करने में जो पार्ट टच कर रहे हैं, जैसे इस मार्कर को चलाने में मैं मोस्टली इसका ये पार्ट टच करता हूं, तो इसको बोलते दोस्तों सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में कहते हैं। वक्र पृष्ठ कहे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, या सरफेस एरिया कहे, तो ये पार्ट होगा जिसको हम टच कर रहे हैं। इस बोतल को यूज करने में हम इस पार्ट को टच कर रहे हैं दोस्तों, इस पार्ट को टच कर रहे हैं, तो ये आपका सरफेस एरिया बनेगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें इसका जो निचला सिरा और ऊपरी वाला सिरा आएगा उसको भी एड ऑन करना पड़ेगा, तो दोस्तों बनेगा टोटल सरफेस एरिया। इस शेप में देखिएगा, ऊपर का और निचला जो इसका सर्कुलर शेप है उसका एरिया हमें इंक्लूड नहीं करना है। अगर वो भी आप इंक्लूड कर देंगे तो बनेगा टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला दोस्तों बनेगा एस एच इक्वल टू 2πRH। फिर हम बात करें TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन ऊपर का नीचे का ऐड करें, तो दोस्तों अगर नीचे का एरिया की बात करें, ये जो कि सर्किल के शेप में है, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर, तो वो तो ऑलरेडी साइड वाला था 2πRH, प्लस अगर इसका हम निचला और ऊपरा सिरा जोड़ दें तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा में 2πR स्क्वायर। आप इसको किताबों में पाते हैं 2πRH+R, ये फॉर्मेट आपको किताबों में मिलता है मोस्टली TSA इक्वल। लेकिन ये फॉर्मेट खतरनाक है। इस मार्कर में देखिएगा, मैं ये कह दूं कि ऊपरी सिरे पे पेंटिंग नहीं है, तो एक π
पाई आर स्क्वायर आपको कट करना पड़ेगा इसमें से। तो यहां से कट करना दोस्तों टफ है, इससे कट करना आसान है। मैं कह रहा हूं ये जैसे मार्कर है, मैं निचले भाग को मैंने अंदर जमीन के अंदर कर दिया, अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? तो टोटल सरफेस एरिया में ये पार्ट बनेगा प्लस टॉप बनेगा, तो इस पार्ट का दोस्तों एरिया होगा 2πRH, और इसके ऊपरी पार्ट वो भी सर्किल के शेप में उसका बनेगा πR स्क्वायर, तो बन जाएगा 2πRH प्लस πR स्क्वायर। कहने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला समय के अनुसार फिगर के अनुसार बदलता रहता है। जब आप इसको लर्न कर लेते हैं, अच्छा हाँ एक चीज और बतानी थी, R और H क्या है? ये पूरा सर्किल का डायमीटर D कह सकते हैं, अगर ये एक सर्किल ले लूं मैं तो सर्किल का दोस्तों ये D होगा, और हाफ से ये यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस होगी। इसको हम सर्किल के टॉपिक में डिस्कशन कर चुके, तो ये पार्ट आपका दोस्तों आर होगा, ये आपका एच होगा, और ये टोटल की बात करें डी होगा, और डी इज इक्वल टू हम रिलेशन बताए थे दोस्तों 2R, कि आपको बापू भी पता है। बात करते हैं कोण की। अब कोण में देखिएगा क्या है, कोण में कुछ नहीं है, सेम फार्मूला है, थोड़ा सा चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होंगे? यहां पर एक नई चीज आपको मिलेगी जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है? उसको हिंदी में कहते हैं तिरछी ऊंचाई। उसके पहले एक चीज और देख लीजिए, वैल्यूम को हिंदी में आप क्या बोलेंगे बच्चों? आयतन कहते हैं हम हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। और सरफेस एरिया को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। और टोटल सरफेस एरिया को बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम कोण की बात करें, कोण की बात करेंगे तो एक फार्मूला जनरेट हो चुका है, और ये आपका इस पार्ट को केवल आप कवर करेंगे तो यह एक प्रकार का देखिएगा राइट ट्रायंगल बन रहा है, और राइट ट्रायंगल में इस साइड का स्क्वायर इन दोनों के साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपको राइट एंगल के थ्योरम में पढ़ाया जाता है, मैं बता चुका हूं। इसको दोस्तों बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो अगर ये निकालना हो, एल निकालना हो, और ये हमारा वही एच होगा, और ये दोस्तों होगा आर, यहां से यहां तक का पार्ट बनेगा आर बनेगा, इसको हम रेडियस। क्यों? ये भी शेप किस शेप में है? सर्किल शेप में। देख लीजिएगा ये सर्किल शेप में है आपका, और सर्किल का ये यहां तक का पार्ट, ये सब इसकी क्या होंगी? सेंटर से ये आप सब रेडियस होंगी, ये सब रेडियस होंगे। तो अगर इतना पार्ट हम ये पार्ट कट कर लें, ये बनकर राइट ट्रायंगल बन गया, और ये बन गई दोस्तों इसकी स्लैंट हाइट बन गई। तो स्लैंट हाइट एल स्क्वायर बराबर बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह आप समकोण की थ्योरम में पढ़ चुके हैं, इसका वर्ग बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो एक फार्मूला आपको ये स्क्वायर वाला ये आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? इसके बिना आपका सरफेस एरिया अधूरा होगा। कोण का अगर हम सरफेस एरिया की बात करें दोस्तों तो बनेगा SA इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई आपको पता है 22/7, आर रेडियस, एल फॉर स्लैंट हाइट। वैल्यू पुट अप करिए आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब बात करें, मेरे हाथ में ये मार्कर देखिए कोनिक शेप में हो गया। किस शेप में हो गया? कोनिक। इसके नीचे का भाग आपको दिख रहा होगा सर्कुलर है, वृत्ताकार है, ऊपर कोनिक है, मान लीजिए जस्ट कोनिक है, तो ऊपर के भाग का एरिया हम निगलेक्ट मानेंगे क्योंकि कोनिक है, नीचे सर्किल है। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में दोस्तों इतना साइड आएगा, जो मार्कर इस्तेमाल करने के लिए हम ये पार्ट पकड़ते हैं ऐसे पकड़ते हैं, तो ये आपका इसका एरिया पता है पाई आर एल हो जाएगा, साथ में इसके नीचे के एरिया क्या बनेगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो अगर मैं पूछ बैठूं इसका टीएसए क्या होगा बच्चों, तो टीएसए बनेगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो सारे फार्मूले स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप बहुत इजीली इनको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सवाल कैसे आएंगे, इसके सवाल कुछ डायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट कैसे आएंगे? एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं, वो ज्यादा क्लियर रहेगा। लीजिए आपको शेप दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने कह दिया कि एक कोण है, कोण के शेप में कोई पॉट्स है, बर्तन है, या कोई जो भी कोई है, इसके अंदर कुछ हम लिक्विड भर रहे हैं, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, या इसका वैल्यूम बताएं, या इसका सरफेस एरिया बताएं।
कैसे निकालेंगे, कुछ पॉइंट आपको दे देते हैं। सिंपल आपको हम बोल देंगे कि इसकी हाइट दोस्तों 24 है और इसका जो डायमीटर है वो 14 है। तो लैंग्वेज क्या बनेगी, एक शंकु के आकार का बर्तन है जिसकी ऊंचाई 24 है, स्टेट ऊंचाई, स्टेट हाइट, और आधार का व्यास 14 है। तो बताएं उसका वैल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगी, सब कुछ निकल सकता है, या इसका वेट क्या होगा। सारे आप कोई भी इसका आंसर दो लाइन से आगे नहीं जाएगा। सबसे आसान अगर हम बात करें वैल्यूम, वैल्यूम अभी मैंने दोस्तों पढ़ा है 1/3 πr² h, क्लियर सवाल। 1/3 π का मान 22/7 रखिए, r आ गया है, r क्या होता है, r फॉर रेडियस। दोस्तों मैंने डायमीटर आपको 14 दिया था और डायमीटर का जस्ट हाफ क्या बनेगी, रेडियस। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस हाफ कर लीजिए, रेडियस क्या होगी, 7 होगी। और बाकी इनको लेने की बात, आप सेंटीमीटर में मिलीमीटर में इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 × 7 और इसकी स्ट्रेट ऊंचाई मैंने दे दी 24। एक ही डेटा लेके उसको हर तरीके से दोस्तों रोटेट करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा ये, और ये बनेगा दोस्तों 22 × 56। इसको मल्टीप्लाई करिए, वैल्यूम है, वैल्यूम की इकाई जो भी होगी वो हो जाएगी इकाई क्यूब, पावर 3 लग जाएगी। या अगर ये मीटर में है तो लिखा जाएगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को बोलते हैं घन सेंटीमीटर या घन मीटर, जो कि वैल्यूम की इकाई होती है, यूनिट्स होती है। अब हम बात करें सरफेस एरिया या इसकी पुताई में खर्च क्या आएगा, वो भी निकल आएगा। सरफेस एरिया दोस्तों इसी में देख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर मैं इसी सवाल का सरफेस एरिया की बात करूँ। चलिए पुनः उसी सवाल पे वर्कआउट करते हैं इसका, ये ऐसे 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 दोस्तों, ये 24 था, ये आपका 7 आया था, ये आपका स्लैंट हाइट एल हो गई। सरफेस एरिया आपको पता है ऐसे इज इक्वल टू, अभी मैंने डिस्कस किया है πr l, पाई आपको पता है, r देखना पड़ेगा क्या बनेगा, l निकालना पड़ेगा। l क्या है, l है आपकी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट l निकालना पड़ेगा दोस्तों। l स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको पढ़ाया, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। s की वैल्यू 24 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों 576 प्लस 49 दैट इज 625, और 625 का l स्क्वायर बराबर हो गया 625, सो l इज इक्वल टू हो जाएगा कितना दोस्तों, 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 25 स्क्वायर रूट, इसीलिए आपको याद कराए जाते हैं। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा पाई 22/7, r का मान दोस्तों हो जाएगा 7 और l हो गया 25। डेटा क्लियर है, स्लैंट हाइट आ चुकी है, कितनी आई थी 25, यहां से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, सो दोस्तों आ जाएगा 22 × 25। अब सरफेस एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या वर्ग सेंटीमीटर होगा, जो आप लिखना चाहें, या यूनिट स्क्वायर होगा। इसी में एक स्टेप बढ़ा दिया जाए, TSA टोटल सरफेस एरिया, तो वो फार्मूला जनरेट करना सीखिए। TSA क्या बनेगा, अगर हम TSA की बात कर लें, TSA टोटल सरफेस एरिया दोस्तों, तो पाई आर एल तो आपके पास पहले से है, प्लस आप ऐड कर दे पाई आर स्क्वायर, क्यों, ये भाग आप इंक्लूड कर देंगे तो बन जाएगा TSA टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आप इजी कर सकते हैं, पाई आर कॉमन करेंगे दोस्तों हो जाएगा एल प्लस आर हो जाएगा। पाई 22/7, आर इज 7 एंड एस लाइन हाइट 25 एंड आर इज इक्वल टू 7, 7 अगेन कैंसिल दोस्तों 22 एंड ये हो गया 32, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब मान लो कहता है कि इसकी पेंटिंग करानी है सरफेस को छोड़ के, तो दोस्तों जब भी पेंटिंग होगी तो वर्क पृष्ठ पे होगी, सरफेस पे होगी, बेस के लिए बात नहीं कर रहा है,
तो आप सीधे इस एरिया को क्या करिए, रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल बजट निकल आएगा कि इसकी प्रिंटिंग में कितना खर्च होने वाला है। तो ऐसे आपके प्रैक्टिकल सवाल हो जाएंगे। अब इसका हम वेट पूछ सकते हैं, इसका वेट क्या होगा, मान लो ये सॉलिड होता, उसके सवाल हम लेंगे अगले लेक्चर में। उसके पहले थोड़ा सा फोकस करेंगे हम, जो आपको हमने सिलेंडर के ढेर सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों सिलेंडर में एक छोटा सा सवाल मैं डिजाइन कर रहा हूं, देख लीजिए, हमने ये बोल दिया अगेन इसकी हाइट है 10 और ये रेडियस है 7। डेटा आप समझने के लिए जब भी ले आसान ले, जितना डेटा आसान होगा समझ आपकी उतनी अच्छी होगी। अगर मैं टफ डेटा लूंगा यहाँ 19 तो आधा दिमाग आपका डेटा पे चला जाएगा, इतना टफ है कटेगा कैसे। अभी जाने से क्या क्या पूछ सकता दोस्तों, क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा। सो वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, फिनिश, सवाल में कोई वो नहीं है। देखिए वी इज इक्वल टू पाई 22 अपॉन 7 आर 7 इंटू 7 एच इज इक्वल टू 10, इजली निकाल सकते हैं आंसर। 7 से 7 कैंसिल, सॉल्व करिए आपका दोस्तों आंसर आ गया। और क्या पूछ सकता है, सरफेस एरिया अच्छे से पता है दोस्तों फार्मूला 2 पाई आर एच, ये क्या बनेगा सरफेस एरिया, 2 की वैल्यू 2, पाई का मान 22 अपॉन 7, आर का मान 7, एच का मान पता है, ये निकल आएगा सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये ऊपर का पार्ट जो पाई आर स्क्वायर है और नीचे का पार्ट है पाई आर स्क्वायर, इसको एड ऑन कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर का मान निकाल के दोबारा ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इससे ज्यादा और इसमें एग्जांपल लेंगे लेकिन अभी नहीं, अगले लेक्चर में। इसमें अभी हमारा उद्देश्य है हम बेसिक क्लियर करें कि कैसे इसके बेसिक सवाल आते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। तो देखिए सिलेंडर का आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोन का कुछ भी निकाल सकते हैं। एक और पूछा इसका वेट क्या होगा, इसकी कैपेसिटी। जब भी हम बात करें कैपेसिटी, कैपेसिटी भी होता है कि क्षमता, मतलब वैल्यूम, या कह सकते हैं इसमें कितने लीटर पानी आएगा, कितने लीटर पानी आएगा, कुछ नहीं है वैल्यूम निकालिए। लीटर का वैल्यूम, लीटर का मीटर सेंटीमीटर से रिलेशन का फॉर्मूला होता है, जब वो आपसे हम डिस्कस करेंगे तो आराम से इजिली इसको आप